वॉट इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्चुअली है क्या। अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप जो भी अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं या शॉप में करवाना है, आपको घर में इंटीरियर चेंज करवाना है, तो आपको अगर एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पता चल जाती है तो आप अपने सेविंग अमाउंट को एक अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। और जिसमें आपने सोच रखा है कि मैं 20 लाख रुपए इस पर्टिकुलर वर्क के लिए खर्च करूँगा, तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे, उसको आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहला हमारा तरीका यही है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें बनवाना क्या है। जो हमें एग्जैक्टली अगर डिफाइन हो जाएगा तो आप इजीली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल पाएंगे। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपको कोई नया घर बनवाना है, तो ठीक है, नया घर बनवाने के लिए आपको हमें सबसे पहले पता है कि एक प्लान की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्लान से मतलब ये कि जो भी घर है उसका नक्शा। ठीक है, नक्शा अगर हमने बना लिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकेंगे कि उसमें कितनी फाउंडेशंस बननी है, कितने कॉलम्स बनने हैं, कितने बीम्स बनने हैं और किस तरह से हमें स्लैब्स बनना है। ठीक है, फिर बात आती है इंजीनियरिंग की। आपको रेनफोर्समेंट जो आपको उसमें सरिया डालने वाले हैं उसमें आपको किस तरह की कितनी सरिया आपको डालनी है। ठीक है, तो एक बार आपने कॉलम्स निकाल लिए, बीम्स निकाल लिए, स्लैब निकाल लिए, तो उसके अकॉर्डिंग एक सिविल इंजीनियर आपको ये बता देगा कि आपको इसमें इतने mm की, 10 mm की, 20 mm की जो भी सरिया लगनी है वो आपको एग्जैक्टली फाइंड हो जाएगी। तो एक बार आपकी अगर सरिया डिफाइंड हो जाती है, फिर तो उसमें उसके बाद हम बात करेंगे कि उसमें कंक्रीट कौन सी यूज़ करनी है, कौन किस ग्रेड की कंक्रीट यूज़ करनी है, कौन सा सीमेंट यूज़ होना है, कितना सीमेंट यूज़ होगा। ठीक है, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना सैंड लगेगा। ठीक है, उस हिसाब से आपकी एक एग्जैक्टली आपको एक ये आइडिया हो जाएगा कि आपको ये कंस्ट्रक्शन में आपको ये मटेरियल यूज़ करना है और इतने आपके रुपये खर्च होने वाले हैं। ठीक है, उसके बेस पे आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को हायर करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे और वो आपको एक अपने रेट दे देगा कि आपको इस पर्टिकुलर वर्क के लिए वो आपसे इतने रुपए चार्ज करने वाला है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको अगर डिफाइन हो जाती है तो वो आपको ईजिली आपके पैसे को ईजिली आपको उसको सही जगह यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने डिसाइड कर ही लिया आपको घर बनवाना है तो पहले आप उसको प्लान बनवा दीजिए, घर का नक्शा बनवा दीजिए, और घर का नक्शा बन जाएगा तो उसके बेसिस पे आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल सकेंगे। ठीक है, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।